बीस्ट को अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी हुई थी। ब्लैक ब्यूटी की आंखों में आंसू न जाने क्यों उसे डिस्टर्ब करते थे। अच्छा नहीं किया तुमने ये सब करके। ब्लैक ब्यूटी की भीखी आवाज़ बीस्ट को बहका रही थी। अगले ही पल वो नॉर्मल हुआ था। मैंने जो भी किया इसकी मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं देने वाला। बस ये जान लो ब्लैक ब्यूटी सिर्फ मेरी है। ब्लैक ब्यूटी के आंसू अपनी उंगली के पोरों से ही चुने थे। बीस्ट के लिम्स से ब्लैक ब्यूटी को जैसे करंट लगा था। खबरदार रो दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। वो चिल्लाई थी, दूर ही तो था, खुद तुम खुद पास लाई हो, वापसी मुमकिन नहीं। ब्यूटी का चेहरा देखते खोए से अंदाज में बीस्ट ने कहा, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो दूर नहीं जाने दूंगा। अब ये याद रखो, कुछ भी करो जैसे भी हो, बस ये जान लो ब्लैक ब्यूटी बीस्ट की है। इसे धमकी समझो या प्यार, तुम्हें बीस्ट के पास आना है और खामोशी से गाड़ी में बैठी रहना, मैं आता हूँ। कहते हुए बीस्ट ने ब्लैक ब्यूटी का निकाब सेट किया। बीस्ट की धमकी पर ब्लैक ब्यूटी अंदर तक कांपी थी और बेआवाज़ रोने के अलावा कुछ ना कर सकी। आधे घंटे बाद बीस्ट वापस आया, मुझे हाशिर को बचाना है, प्लीज़ खोलो मुझे। अब की बार ब्लैक ब्यूटी ने अपना लहजा नॉर्मल रखा, कहीं बीस्ट फिर से ढीठ ना बन जाए। तो ये वक्त भी आना था, ब्लैक ब्यूटी बीस्ट की मन्नत कर रही थी। वाह मज़ा आ गया। बीस्ट ने ब्लैक ब्यूटी को चिढ़ाया था और ब्लैक ब्यूटी चिढ़ भी गई थी। तुम्हारा शुमार भी इन्हीं में से है जिनसे मैं नफरत करती हूँ, और अब तो लानत भेजना पसंद करूँगी तुम पर, मगर तुमसे कभी मदद नहीं मांगूंगी। नफरत से कहती वो चेहरा मोड़ गई। ब्लैक ब्यूटी की बात बीस्ट को तपा गई थी। तुम्हारा शुमार इन्हीं में से है। ब्लैक ब्यूटी की बात बीस्ट को तपा गई थी। मजीद कुछ नहीं कहा, मगर इतनी गाड़ी तेज चलाई कि दो बार एक्सीडेंट होते होते बचा। देख लेंगे मिस्टर बीस्ट, कर लो अपनी मर्जी एक बार, तुमसे जान छुड़ा लूँ फिर देखना क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ब्लैक ब्यूटी को बहुत ही कमज़ोर समझ लिया है तुमने, मेरा चेहरा देखकर समझ रहे हो कोई मार का सर कर लिया है। मगर यह याद रखना, जो ब्लैक ब्यूटी को देखता है फिर जिंदा नहीं रहता। ये सोचते हुए बीस्ट के लिए दिल में बेइंतहा नफरत महसूस की थी। कहाँ वो इसकी मदद करने आया था और अब इसे ज़बरदस्ती इसे साथ बांधे अपने साथ ले जा रहा था। शाम को सहमे गहरे हो गए। गाड़ी अब सुनसान रास्तों पर रवा दमा थी। रिमशा और शाह डेवल के दूसरे फार्म हाउस में कैद थे। दोनों को तहखाने में बंद कर रखा था। अभी तक डेवल इनके पास नहीं आया था। वो तो हाशिर के पास बैठा बीस्ट का इंतज़ार कर रहा था। बीस्ट का काम तमाम करके ही इनकी तरफ आने का इरादा रखता था। अर्शु नहीं आया अभी तक। डेवल ने अपने खास मुलाजिम से पूछा, नहीं बॉस, डॉन की मीटिंग ख़त्म नहीं हुई अभी, और मीटिंग के बाद डॉन को शॉपिंग करनी है तो शायद देर हो जाए। ठीक है तुम जाओ, डेवल ने मुलाजिम को जाने के लिए कहा, मगर बॉस अगर बीस्ट आ गया तो आप अकेले हैं, मैं भी आपके पास रुकता हूँ। नहीं तुम जाओ, इसे मैं अकेले देख लूँगा, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इस बीस्ट का काम तमाम करने के लिए, डेवल ने अकड़ कर कहा। मुलाजिम सर हिलाता चला गया। सानी क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो? जो भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ब्लैक ब्यूटी का कुछ पता है ना हाशिर का? आखिर ये लोग तुम्हें और मुझे क्यों नहीं साथ ले जाते? सानी मेरी बबली, ये कोई नई बात तो नहीं है ना, हमें अच्छी तरह हिले में हमारा काम है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हर बार ब्लैक ब्यूटी हाशिर को कोई ना कोई खास काम ज़रूर देती है, और खुद ब्लैक ब्यूटी किसी ना किसी मिशन पर निकली होती है। इसमें उदास होने की क्या बात है भला? जुबी ने सानी के फूले गाल पर चुटकी काटते हुए कहा। सानी इन सबसे छोटी थी, इसका काम डाटा जमा करना और ख़ास अकाउंट हैक करना था। बाहर का कोई काम जुबी और सानी नहीं करती थी। किसी को मारना भी होता तो ब्लैक ब्यूटी खुद ही काम सर अंजाम देती थी, और हाशिर इसके हर काम में साथ होता था। छोटे होने की वजह से इस पर काम का बोझ ना था, मगर ज़रा सी देर भी हो जाती तो वो परेशान हो जाती थी। कितने दिन हो गए हैं हाशिर को नहीं देखा, लड़ाई भी नहीं हुई, मुझे इसकी बहुत याद आ रही है, कहते साथ ही सानी रोने लगी। जुबी ने सानी को गले से लगाया। पहली बार सानी ने इसके सामने खुलकर हाशिर की फिक्र की थी। इस बार हाशिर वाकई बहुत दिन हो गए थे नज़र नहीं आया था, मगर जुबी को इतनी तसल्ली थी, वो ब्लैक ब्यूटी के काम में मसरूफ़ है तो इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। कदमों की चाप पर डेविल ने सर झुका सर उठाया था। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। डेविल समझ चुका था सामने खड़ा आदमी बीस्ट है, जिसकी आंखें इस वक्त सुर्ख थी, बाकी चेहरा छुपा हुआ था। तो तुम बीस्ट हो, ये क्या बात हुई? इतना इंतज़ार किया मैंने, बदले में तुम्हारा चेहरा भी ना देख सकूं, ये तो नाइंसाफ़ी है। डेविल मुस्कुराया। तो तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? बीस्ट की भारी आवाज़ हाल में गूंजी। हाँ मैं भी तो देखूंगा, आखिर कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है? डेविल का प्यार इसे दूर करने की बीस्ट का कहकर डेविल को तपा गया, मगर अगले ही पल बीस्ट सीरियस हुआ। मेरा चेहरा तो तुम मरकर भी नहीं देख सकते, शायद तुम भूल गए हो। तुम्हारे सामने इस वक्त बीस्ट खड़ा है, और मैं चाहूँ तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूँ, मगर इतनी आसानी से तुम्हें मौत भी कबूल नहीं करेगी। तड़पा कर मारूंगा, लेकिन इस वक्त भी वक्त नहीं है। और हाँ, मैं अपने साथी को छुड़ाने बिल्कुल नहीं आया, बस ये बताने आया हूँ कि अगली बार तुम्हारी
हिम्मत है तो बचकर दिखाना, बीस्ट डेविल को वार्न किया। मेट्रो डर गया ना जैसे डेविल हंसा, तुम हंसते ही रहना, मैं अपना काम कर चुका हूँ, खैर फिर मुलाकात होगी मगर सिर्फ तुम्हें अंजाम तक पहुँचाने के लिए। यह कहकर बीस्ट जैसे आया था वैसे चला गया, जबकि डेविल बीस्ट की बात पर अटका था, जल्दी से तहखाने की तरफ भागा। आशिर वहाँ नहीं था। कैसे, तुम तो मेरे साथ थे, फिर आशिर कहाँ गया? बीस्ट तुम कितने चलाक हो, मगर मैंने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। गुस्से में डेविल ने हर चीज़ बर्बाद की थी और इस गुस्से के साथ वह भीमशाह और शाह के पास गया था। डेविल नहीं जानता था वो अपने गुस्से और हार की वजह से कितना बड़ा नुकसान करने वाला है। शाह बीस्ट का आदमी है, इस बात से भी डेविल अनजान था। शाह भीमशाह का शौहर है, यह बात डेविल को हजम नहीं हो रही थी। शाह की जगह कोई भी होता डेविल इसके साथ वही करता जॉब करने जा रहा था। इस बात से भी अनजान के बीस्ट के बंदे हार पर हार डालना कितना भारी पड़ने वाला था। बैठे बैठे ब्लैक ब्यूटी की कमर अकड़ गई थी, ऊपर से हाथ पांव दोनों बंधे हुए थे। चीख चीख कर इसका गला बैठ चुका था, मगर बीस्ट के कान ऐसे बंद किए ऐसे चल गाड़ी चला रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ढीठ कहीं का, ब्लैक ब्यूटी बड़बड़ाई। यह बड़बड़ाहट इतनी ऊँची ज़रूर थी कि बीस्ट के कानों तक आराम से पहुँची थी, मगर वह बाकी ही ढीठ बना हुआ था। करती रहो शोर, नीली आंखों वाली शेरनी, जितना तुमने मेरे कान खाए हैं इसका बदला मेरी एक बात ही पूरा कर देगी। बीस्ट अपनी सोच में ब्यूटी से मुखातिब था, मुँह पर कहता तो गला बैठने के बावजूद सिर्फ इसे तंग करने के लिए मजीद कांच खाती चला चला गई। तुम्हारी तो सारी अकड़ मैं निकालूंगा मैडम। बीस्ट अच्छा खासा तपा था, कब से ही गाड़ी सुनसान रास्ते पर गामसन थी, आबादी तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और यह वीरान रास्ता ब्लैक ब्यूटी के समझ से बाहर था। तंग आकर ब्यूटी ने आंखें मूंद ली और कुछ देर बाद गहरी नींद सो गई। कच्चे पक्के रास्ते और झटके लटी गाड़ी ब्लैक ब्यूटी की नींद में खलल डालने के लिए काफ़ी थे। बैक मिरर से देखता बीस्ट कुछ लम्हों के लिए फ्रीज हुआ था। मासूम सा यह सोता वजूद गहरी नज़रों से बीस ने ब्लैक ब्यूटी को देखा था। कोई कह सकता था भला इस नकाब के पीछे ही मासूम चेहरा होगा जिसे लोग ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। बीस्ट का दिल चाहा एक बार फिर इस चेहरे में खो जाए। क्या हो गया है मुझे बीस्ट हूँ मैं, मुझे हरकतें जेब नहीं देती। खुद को कोसता गाड़ी की स्पीड कम की थी पर दिल बीस्ट ने दिल पर हाथ रखा था और एक बार फिर से ब्लैक ब्यूटी पर नज़रें गाड़ी थी। क्या कुछ नहीं था इन नज़रों में, ब्लैक ब्यूटी जागी होती तो उसके देखने पर भी बंदी लगा देती। बीस्ट सोच कर मुस्कुराया था। क्या हो गया है मुझे, आजकल कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराने लग गया हूँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। खासकर मिशेर नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बुरी बात है। बीस तुम्हारी वजह से मुस्कुराया है, अब तुम ही भुगतोगी। पर सोच अंदाज में गाड़ी की स्पीड तेज़ की और जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता था, मगर ये मोहतरमा की नींद पूरी नहीं हो रही थी। वैसे अच्छा ही है सोती रहे तो, वरना मेरे ही कानों की शामत आई रहती। फार्म हाउस पहुँचते ही डेविल सीधा तहखाने पर गया। शाह को उल्टा लटका हुआ था, हाथ पांव जंजीरों में कैद थे। रिमशा को इसी हाल कमरे के दूसरे कोने में एक कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। डेविल के आने पर रिमशा ने खौफ से आंखें बंद कर ली, जबकि शाह पूरी आंखें खोले डेविल को घूर रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। डेविल कदम रिमशा की तरफ बढ़ते देखकर शाह ने डेविल को वार्न किया, खबरदार तूने रिमशा को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाह की धमकी सुनकर डेविल का गुस्सा मजीद बढ़ा। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे ललकारेगा, मैं नहीं नहीं तो तूने मेरे रिमशा को हाथ लगाया है जिसके तो पूरी पूरी सजा पाएगा। यह कहकर डेविल शाह पर चढ़ दौड़ा। शाह के साथ ऐसा सलूक देखकर रिमशा चिल्लाई थी, छोड़ दो इसे प्लीज़ छोड़ दो। शाह को लोहे की राड से मारते हुए डेविल के हाथ रुके थे। बहुत तकलीफ़ हो रही है ना तुम्हें, मैं ऐसे हाथ लगाऊं तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। डेविल ने रिमशा के पास आकर पूछा, मेरा शोहर है वो मोहब्बत करती हूँ, इससे मुझे तकलीफ़ नहीं होगी तो किसी होगी, तो मेरी तकलीफ़ का क्या, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता था, इसने तुम्हें हाथ लगाया होगा तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। हाँ जवाब दो, डेविल ने रिमशा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर कहा। छोड़ो मुझे खमीज इंसान, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुमसे अपनी हवस पूरा करने चाहते थे। मोहब्बत जैसे पाकिस्तान लफ्ज़ की तोहिन मत करो। रिमशा दर्द की कैफियत में इतना ही बोल सकी और अब डेविल ने थप्पड़ों की बरसात रिमशा के चेहरे पर की थी। मोहब्बत गई भाड़ में, आज तुम्हें डेविल से भागने की ऐसी सजा दूंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी, और तेरा शौहर इसके सामने ही अपनी हविस पूरी करूंगा, देखना। छोड़ कमीने, छोड़ मेरी बीवी को, दूर रहो इससे, जो कहना है मुझे कहो, मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। वरना क्या तेरी वरना को ठिकाने लगाऊंगा। और अपना शाह को मारा था कि वो कुछ बोलने के काबिल भी ना था, और अपनी खफासत का रुख रिमशा की जानब किया। बहुत प्यार से रिमशा और उसे आज़ाद किया था, और रिमशा के दिल पर आज चीखें पूरे फार्म हाउस में हिला गई थी। बेबस से शाह की आंखों से आंसू गिरे थे और इसके बाद वो होश में नहीं था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी, ब्लैक ब्यूटी हड़बड़ाकर उठी। बीस ने गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और ब्लैक ब्यूटी के पाँव रस्सियों से आज़ाद किए। अलबत्त हाथ अभी भी बंधे थे। चलो, ब्लैक ब्यूटी के घूरने पर बीस ने भी जवाब में घूरा था। ये कोई पुराना सा घर था जो इस बुराने में खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो डीट बनी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं ली। तो तुम ऐसे नहीं चल रही, बीस ने आगे बढ़कर इसे बाहों में उठा लिया। बीस की सरकत से ब्लैक ब्यूटी के 14 तबक रोशन हुए थे। बीस ब्लैक ब्यूटी को लिए घर के अंदर दाखिल हुआ और एक रूम में ले जाकर बैठकर ब्लैक ब्यूटी को बेड पर फेंकने के अंदाज में उतारा और दोबारा से उसके पाँव साथ लाई रस्सी से बांधे थे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ, हिम्मत करके एक बार फिर चिल्लाई। बस एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा, बीस्ट इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में धड़ा था। एक पल के लिए ब्लैक ब्यूटी सहम गई थी। बीस्ट के गुस्से का अंदाज़ा इसकी लाल आंखों से हो रहा था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये वीडियो देखो, इसके बाद मेरी डिमांड सुनना। बीस्ट ने अपना मोबाइल ब्लैक ब्यूटी के आगे किया और
वीडियो ऑन की थी, जैसे जैसे वीडियो देख रही थी आंसू उसका चेहरा भी गो रहे थे। डेविल हाशी को बुरी तरह से पीट रहा था, इतना कि हाशी का वजूद खून में नहा चुका था। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो मर जाएगा, मुझे इसे बचाने दो प्लीज़। वीडियो देखकर ब्लैक ब्यूटी यह भूल चुकी थी कि वो बीस्ट की मिन्नत कर रही है, जिससे थोड़ी देर पहले सारे रास्ते अपनी नफरत का इजहार करती आई थी। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में जा सकती हो कि पहले तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, इसके बाद जो तुम चाहो। बीस्ट जानता था हाशिर ब्लैक ब्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है, या यूँ कह लें कि ब्लैक ब्यूटी की कमज़ोरी हाशिर था। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, तुमसे शादी करने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी, पूरी कुवत से ब्लैक ब्यूटी चिल्लाई थी। तुम इतने घटिया हो सकते हो, तुम सफाक हुए तो मुझे मालूम था, पर इसने ज़्यादा इसका सबूत खुद दिया है। तुमने नहीं करोगे तुमसे शादी, कभी भी नफरत से कहते ब्लैक ब्यूटी की आवाज़ रुन गई थी। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हाशिर को मारता है तो मारते, मेरी बला से कंधे उछकाते कमरे से बाहर निकला था। मुसफ़ा उसका इनकार कर रही थी, अम्मा दिल बर्दाश्त होकर वहाँ से उठी थी। अभी कमरे से बाहर कदम निकाला ही था कि अपना दिल पकड़े बैठते चली गई। मुसफ़ा भाग कर अम्मा तक पहुँची थी, और अब डॉक्टर ने दूसरे हार्ट अटैक का बता दिया था। खान बाबा ने बेबसी से मुसफ़ा को देखा, पास खड़ा दुराब मुसफ़ा के इनकार पर अंदर से बहुत गुस्से में था, मगर जाहिर नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने अम्मा के होश में आने की इत्तला दी थी। मुसफ़ा सबसे पहले अम्मा के पास गई थी और माफ़ी के अंदाज में हाथ जोड़े। अम्मा की आंख से आंसू गिरा था, जिसे मुसफ़ा ने अपनी पूरों पर चुना था। मैं राज़ी हूँ, इशारे से अम्मा को खुशी की नवीद सुनाई थी। डेविल के आने पर रिमशा चलाई, जब डेविल ने सरसिया से जात किया और ज़ोरदार धक्का देकर वो उठी थी और शाह की तरफ बढ़ी। डेविल ने रिमशा को दुपट्टा खींचा और इस पर झपटा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे मेरे शाह का रखना, रिमशा ने दिल से दुआ की। रिमशा डेविल के गिरफ्त में मछली की तरह तड़प रही थी, अपने आप को छुड़वाती डेविल के बाजू पर अपने दांत गाड़े। कुछ पल के लिए डेविल की ग्रिप ढीली पड़ी थी। तेरी इतनी हिम्मत, डेविल ने वही राउट ड्राया जिसे शाह को सब में किया था और रिमशा को मारना शुरू कर दिया, कभी सर पर तो कभी कमर पर। अपने गुस्से और मुक्कों से रिमशा का बुरा हाल कर दिया। रिमशा मुसलसल सीखी जा रही थी। उल्टे लटके शाह के जिसम से खून टपक टपक कर पूरे फर्श पर फैला हुआ था। रिमशा शाह की तरफ बढ़ी थी, आगे आगे रिमशा और पीछे डेविल बुरी तरह से काम थे। रिमशा के मुंह से दर्द बड़ी चीख निकलती, मगर डेविल की को रहम नहीं आया, मजीद सर पर वार किया। रिमशा वहीं ढेर हो गई, अपना सर पकड़े मुसलसल लाला पुकार रही थी। रिमशा को बेबस होते देखकर डेविल एक बार फिर शैतानियत लिए इसकी तरफ बढ़ा। रिमशा की मज़ाहमत ने डेविल को गुस्सा दिलाया था, जिसके नतीजे में रिमशा भी शाह की तरह लहूलुहान पड़ी थी। रिमशा पर झुकते डेविल को ज़रा बराबर भी अफसोस ना हुआ था, वो तो बस अपनी हवस पूरा करना चाहता था। डेविल ने अपनी शर्ट के बटन खोले और रिमशा पर झुका ही था कि किसी ने इसके बाल पकड़ कर धक्का देकर रिमशा से पीछा किया। रिमशा में इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि डेविल को धक्का देती या इससे अपना आप छुड़ाती, मगर किसी ने इसकी मदद की थी। बंद होती आंखों से को खोलकर देखने वाले को आने वाले को देखा तो बहुत कोशिश के बावजूद भी ना आंखें ना खोल पाई। वो जो भी था, इसने रिमशा के वजूद पर इसका दुपट्टा अच्छी तरह से फैलाया था और उठाकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया, शाह के जंजीरों को आज़ाद किया और साथ लिए बाहर निकला, जबकि डेविल एक तरफ बेहोश पड़ा था और रिमशा की मदद को आने वाली हस्ती ने डेविल बेहोश कर दिया था। यादाद ने बेयकीनी से डॉक्टर को देखा, जी बिल्कुल, ज़्यादा मारपीट की वजह से इनका मिसकैरेज हो गया है, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? डॉक्टर ने दाद से पूछा। मैं बाई हूँ, इसका दाद की हालत अजीब थी और साथ दूसरा मरीज़ वो कौन है? वो शौहर है इसका, दाद ने अपना माथा मसलते हुए बताया। ठीक है, आप इस पेपर पर साइन कर दें, लड़की की हालत ज़्यादा सीरियस है, कांपते हुए हाथों से दाद ने साइन किया। दोनों होश नहीं आया था, दाद कब से उनको ढूंढने निकला था, दुराब खान पापा की तरफ इनके बुलाने पर गया था, दोनों को जिसने बचाया था। हॉस्पिटल पहुंचाकर इनकी जख्मी हालत की तस्वीर दाद को सेंड की थी, नंबर अनजान था। दाद समझा बीस्ट होगा, पर बीस्ट तो खुद डेविल के ठिकानों की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। दाद के साथ साथ बीस्ट भी हैरान था, आखिर किसने मदद की? दाद को बहुत दुख हुआ था, अभी तो खुशियाँ आई थी इनकी ज़िंदगी में और अचानक अब उन्होंने डेरा डाल लिया। कितनी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया था, मगर जैसे ही बीस्ट आया दाद का शब्द जवाब दे गया और वो इसके गले लगा रोता हुआ। दाद इसको कोई छोटा बच्चा लग रहा था। मुझे शाह से मिलने तो दाद बेस ने दाद के कान में कहा, पूरी तरह पुट्टियों में जख्मी शाह की हालत देखने लायक थी, भी उसके तन बदन में आग लग गई थी। डेविल अब तेरे बदन बुरे दिन शुरू, बेस्ट के आदमी पर हाथ डाला है तो उन्हें बेस्ट है क्या चीज़, अब बताऊंगा तुझे जलील इंसान। बेस्ट का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था। दाद शाह को जब होश आया तो बता देना मुझे, मैं एक काम निपटा कर आता हूँ, रिक्शा के घर वालों को खबर दे दो। बेस्ट दाद को हुक्म देता वहाँ से निकला। दाद जानता था बेस्ट का ज़रूरी काम, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी दाद मुस्करा दिया। दो दिन हो गए थे हाशिर को वापस आए। जूबी और सानी यही समझे थे कि ब्लैक ब्यूटी का काम करके वापस आया और इसी वजह से ज़ख्मी है। सानी हाशिर का बहुत ख्याल रख रही थी। खैर तो है, भूतनी कहीं प्यार तो नहीं हो गया, मुझसे इतनी खिदमतें कर रही हो, दाल में ज़रूर कुछ काला है। बेड पर लेटा हाशिर सूप पिलाती सानी को तंग करने के मूड में था। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है मोटे सांड, मैं सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए फ़िक्रमंद हूँ, पहले ही इतना खून बहा है कि तुम्हारे अगर अब ख्याल नहीं रखा तो तुम पतले हो जाओगे, फिर मैं इसे मोटा सांड कहूँगी, सानी ने इतना ढेर सारा ख्याल रखने की वजह बताई। सूप पीते हाशिर को अचूका लगा।
क्या मतलब हद है, आशिर ने बुरा मनाया और अपने दांतों की नुमाइश करती। सानी से हाशिर को सख्त बुरी लगी थी। क्या है, इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? सानी ने भी हाशिर को तंग करने की ठानी। सानी की बात पर हाशिर का दिल किया अपना सर किसी दीवार पर मारे। ये तुम्हें प्यार लग रहा है, गुस्से से देख रहा हूँ, हाशिर ने मुँह फुलाया। हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं ना, वैसे तुम मुझे प्यार से बहुत प्यार करते हो ना, बहुत मिस किया होगा मुझे, है ना? आंखें मटकाती सानी हाशिर को जहर लगी थी। प्यार और तुमसे नामुमकिन शक्ल देखी अपनी बिल पर तोड़ी कहीं की। प्यार तो मैं अपनी जैसी सेहतमंद लड़की से करूँगा, शादी भी इसी से करूँगा और जब कहीं जाऊँगा तो मिस भी इसे ही करूँगा। तुम कोई खुशफहमी मत पालो, अपने आप को देखा है कभी, सूखी टहनी ना हो तो। हाशिर के जवाब ने सानी को तपाया था। सूख का प्याला हाशिर के हाथ से खींचा और बेड से उतरी। जाओ इसी मोटी भूतनी से खिदमत करवाओ, खबरदार जो मुझे इस काम के लिए आवाज़ दी मुँह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, सानी गुस्से से कहती जूबी के पास गई, जबकि हाशिर मुस्करा दिया था। सानी के पास जाने के बाद हाशिर ब्लैक ब्यूटी के बारे में सोचने लगा। डेविल ने जब हाशिर को मार मार कर इसकी हालत बुरी कर दी थी तो इसे कोई बचाने आया था। इस वक्त हाशिर इस पोजीशन में नहीं था कि इससे पूछता वो कौन है, मगर जो भी था ब्लैक ब्यूटी ने ही भेजा हो सकता है ब्लैक बीस्ट। ब्लैक ब्यूटी को कोई काम हो और इसे अपनी जगह भेज दिया हो, हाशिर खुद सोच कर मुतमइन था। अगले दिन शाम तक शाह को होश आया था, जबकि रिमशा की हालत मुसलसल नाजुक थी। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे इसे होश आ जाए। शाह को होश आया तो दाद को अपने बिल्कुल पास बैठे पाया। दाद की आंखें बंद थी, जबकि शाह का हाथ दाद के हाथों में था। दाद टूटे अल्फाज में दाद को पुकारा था। दाद ने एकदम आंखें खोली। शाह शुक्र है मेरे मालिक, दाद ने शाह के होश में आने पर शुक्र अदा किया था मेरी रिमशा। इससे आगे शाह बोल ना सका, रिमशा के बारे में पूछते शाह की आंखों से आंसू गिरे थे। इससे पहले दाद जवाब देता शाह दोबारा बेहोश हो चुका था, यानी मुकम्मल तौर पर बेहोश में नहीं आया था। दाद जल्दी से डॉक्टर को बुलाने भागा था। इसके लिए यह भी काफ़ी था कि शाह को होश आया है। दिल पर पत्थर रखकर बीस्ट के लाए हुए पेपर पर साइन किए थे। याद रखना मिस्टर बीस्ट, जो तुमने मेरे साथ किया है इसका बदला ज़रूर लूँगी। साइन करने के बाद ब्लैक ब्यूटी ने बीस्ट को वार्न किया, तो हम आज से मियाँ बीवी हैं और याद रखना अपनी मर्जी से तुमने इस पर साइन किए हैं। बीस्ट की मुस्कुराती आंखें इसे जहर लगी थी। मैंने सिर्फ हाशिर के लिए किया है, तुमसे तो मैं जांच हुआ ही लूँगी, ब्लैक ब्यूटी समझ गई थी। बीस्ट ने प्लान के मुताबिक ये सब किया है, पहले मदद के लिए वहाँ पहुँचा और यहाँ वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, साथ ही पेपर पहले से ही तैयार थे। बीस्ट को इसके नाम को भी पता चल चुका था, पर कैसे इतनी अहम इन्फॉर्मेशन बीस्ट तक पहुँची? तो मिस्टर शायद अब अपने मुंह से मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। आई समझ ब्लैक ब्यूटी को राय थी। निकाहनामे पर साइन करने से पहले बीस्ट ने ब्लैक ब्यूटी के हाथ खोले थे, मगर पाँव नहीं। बीस्ट जानता था वो भागने की पूरी कोशिश करेगी, आखिर ब्लैक ब्यूटी जो हुई तभी पाँव नहीं खोले थे। पता है मिसेज, आज आपकी अकल का अंदाज़ा हो गया, मुझे चाहती तो तुम भी मेरा नाम जान सकती थी, मगर हाशिर को सुनाने की जल्दी में मेरे नाम पर गौर ही नहीं किया और फट से साइन कर दिया। मज़ा आ गया और अब अनजान ही रहना तुम्हारे शौहर का नाम क्या है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बताने वाला नहीं। मिस मशाइम, बीस्ट ने एक बार फिर इसके नाम पर जोर दिया था, मुझे तुमसे और तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं है, यह सब वक्ती है। मेरी नज़र में इस कागज़ की कोई अहमियत नहीं है, यह सिर्फ एक सौदा था जो तुमने मुझसे किया। अब मेरे पाँव खोलो या मुझे खोलने दो। ब्लैक ब्यूटी के हाथ बीस्ट के हाथों में थे। साइन करते वक्त भी बीस्ट ने एक हाथ छोड़ा था, जबकि दूसरा हाथ बीस्ट के हाथ में ही था। इतनी जल्दी भी क्या है मिसेज, जाते जाते कोई मेरी याद तो साथ ले जाओ, कहते साथ ही बीस्ट ने ब्यूटी को खुद से करीब किया और पूरे इस्तेहकाक से इसके गाल पर अपने लब रखे थे और फिर अपने लबों से फटे होंठ को छुआ था। ब्लैक ब्यूटी को बीस्ट से ज़बरदस्ती की उम्मीद नहीं थी, इससे पहले कि बीस्ट मजीद फैलता ब्लैक ब्यूटी ने इसे धक्का दिया था और झुककर अपने पाँव खोले थे। जाते जाते ब्लैक ब्यूटी मुड़ी थी। तुमने मेरा चेहरा तो देख लिया, मगर तुम अब मेरी बारी देख बारी है, याद रखना। इस निकाब के बगैर तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है किसी से बात करने की। ब्लैक ब्यूटी की बात पर बीस्ट मुस्कुराया था, अच्छी तरह समझता था ब्यूटी की बात को। गाड़ी में भी ब्यूटी का चेहरा कवर किए रख चुका था, और अब भी मेरी हिम्मत का तो तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। मेरी नीली शंखों वाली शेरनी खोए खोए अंदाज में बीस्ट पर बढ़ाया था। ब्लैक ब्यूटी वहाँ से जा चुकी थी, जबकि बीस्ट ने बिग किंग को मैसेज किया था, सर आपका काम हो गया है, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका। वो चीख रही थी, इसकी दर्द बड़ी चीख मेरे कानों से नहीं जाती। शाह फूट फूट कर रोया था। देख, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू सोच रहा है, दाद ने रोते हुए शाह को तसल्ली दी थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो खमीस मेरी रिमशा के पास गया था, रिमशा का दुपट्टा मेरी बंद होती आंखों ने देखा था। शाह की आंखों में मंजर घूमा जब डेविल ने रिमशा का दुपट्टा खींचा था। कितना चीखी थी वो, और शाह को लगा था जैसे इसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया हो। नहीं दाद, मुसलसल इनकारी था, किसी ने तुम लोगों की मदद की है, वो वक्त पर पहुँच गया था और फिर यहाँ ले आया। दाद ने शाह को समझाया, क्या सच, किसने? बीस्ट ने, बीस्ट आ गया था ना? शाह ने बेयकीनी से दाद को देखा और सवाल किया। हाँ, पर वो बीस्ट नहीं था, इतना मुझे पता है। बीस्ट इस वक्त अहम काम पर था, पर तो परेशान ना हो, सब ठीक है, डेविल कुछ गलत नहीं कर सका रिमशा के साथ, डॉक्टर ने तस्दीक कर दी है, मैं तुझे रिपोर्ट दिखा दूंगा, मगर फिर भी जब भाभी को होश आया ना, खुद पूछ लेना। दाद ने शाह को सब बताया। शाह ने शुक्र अदा किया, रिमशा सिर्फ इसकी है, डेविल की हफ्ज़ की भी भेंट नहीं चढ़ी, मगर डेविल ने
इसे बुरी तरह मारा था। मारा तो शाह को भी था, मगर इम्शा नाजुक सी थी, इतना जुल्म सह ना सकी। एक बार मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ, देखने लेवल ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। बुजदिल कहीं का तू बता क्यों नहीं रहा कि वो किस हालत में है, किधर है, मुझे मिलना है। शाह की हालत खुद ख़राब थी, मगर फिर भी रिमशाह से मिलने की जिद कर रहा था, जबकि दाद सोच में पड़ गया, बताएं या नहीं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर बता कर गया था रिमशाह अब कोमे में चली गई है। डेवल ने रिमशाह के सर पर बहुत वार किए थे इसकी लोहे की रॉड से, जिसका नतीजा ये था कि अब रिमशाह कोमे में थी। देखो मेरी बात सुन, दाद ने गहरी सांस ली, और रिमशाह के सर पर बहुत चोट आई थी जिसकी वजह से वो अब कोमा में है, और साथ ही मिसकैरेज भी हुआ है, दाद ने झुके सर के साथ बताया। क्या शाह की तो पल में ही दुनिया लुटी थी, तो क्या मैं बाप बनने वाला था? शाह बेयकीन ही सा था, ये क्या हो गया मेरी रिमशा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। ना करदा तो रिमशा ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। शाह की घर वाली थी बहुत ही हालत देख दाद से देखी ना गई, रिमशा उम्मीद से थी, या तो खुद रिमशा को भी मालूम ना था। शाह बहुत तकलीफ में उठा था अकेले, दाद को शाह के संभालने में मुश्किल पेश आ रही थी, कितनी मुश्किल से काबू किया था डॉक्टर ने, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, वरना शाह किसी के पकड़ में ना आ रहा था। यह तो तय था कि अब ब्लड डेविल का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। ये ले ब्लैक किंग ब्लैक ब्यूटी की प्रोफाइल, 20 टांग पर टांग रख के बैठे बिग किंग के सामने ब्लैक ब्यूटी की फाइल रखी थी। बिग किंग मुस्कराया, फाइल को एक बार भी उठा कर ना देखा, तो तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया बीस्ट, वेरी गुड। ब्लैक ब्यूटी की फाइल इतनी स्ट्रांग थी कि कोई नहीं जान पाता था इसके बारे में, मगर बीस्ट को ये चैलेंज बिग किंग ने दिया था, और बीस्ट जिस काम में हाथ डाले वो मुकम्मल करके ही सुकून लेता था। बिग किंग के चैलेंज का नतीजा था कि ब्लैक ब्यूटी का पूरा बायोडाटा बीस्ट ने लाकर बिग किंग के सामने रखा था। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये चैलेंज आपने मुझे ही क्यों दिया? क्योंकि तुम भी ब्लैक ब्यूटी तक पहुँच नहीं पाया, कोई भी ब्लैक ब्यूटी तक पहुँच नहीं पाया, और तुम्हें इसलिए काम दिया था कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता था, ये मुझे अच्छी तरह इल्म है। बिग किंग की बात पर बीस्ट उठा, ओके ठीक है, मुझे इजाज़त दें। नहीं अभी तो असल काम दिया नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बिग किंग की बात पर बीस्ट वापस बैठा था, वो शायद से निकाह करना है तुम्हें, तुम कर सकते हो। बीस्ट ने बिना हैरान हुए बिग किंग की जानब देखा था, ठीक है मगर ये मशाइम कौन? बीस्ट की बात पर बिग किंग का कहका गूंजा, हद है, अभी तुमने जिसका पूरा बायोडाटा मेरे हवाले किया है शायद नाम देखना भूल गए। अब की बार बीस्ट मुकम्मल हैरान हुआ, पास पड़ी फाइल थी ना बीस्ट ने खोल कर देखी थी ना किंग ने, मगर फिर बिग किंग ब्लैक ब्यूटी का नाम ले रहा था। हैरान मत हो मेरे शेर, तुम बीस्ट हो तो मैं अभी बिग किंग हूँ, मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है जाओ, अपनी सोचों से बीस्ट बाहर निकला, निकाह करने को कहा क्यों कहा बिग किंग ने ब्लैक ब्यूटी को जाने के बाद भी। बीस्ट अभी भी इसी घर में बैठा है, सारे हालात को सोच रहा था, खैर जो भी है पता चल ही जाएगा, मगर बीस्ट अब ब्लैक ब्यूटी को कभी छोड़ने वाला नहीं था। नीली आंखों वाली शेरनी सिर्फ मेरी है।